और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको देंगे, आज भारतीय नौसेना को मिलेगा नया चीफ। दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे नेवी चीफ, आर हरि कुमार के लेंगे जगह, दिनेश त्रिपाठी नेवी चीफ होंगे, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज एडमिरल आर हरि कुमार रिटायर हो रहे हैं, आर हरि कुमार की जगह लेंगे दिनेश त्रिपाठी। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, नया चीफ भारतीय नौसेना को आज मिलने जा रहा है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय नौसेना को आज नया चीफ मिलने वाला है, आर हरि कुमार की जगह लेंगे दिनेश त्रिपाठी, तो ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी मिल रही है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप जान लीजिए दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन है, जिन्हें 1985 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। 15 मई 1964 को दिनेश कुमार त्रिपाठी का जन्म हुआ था। तो उनके बारे में सब कुछ आपको जानकारी दे रहे हैं, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध विशेषज्ञ दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि आर हरि कुमार की जगह लेने वाले हैं। करीब 30 साल का लंबा और विशिष्ट उनका करियर है। तो आपको बता दें उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है, नौसेना के उप प्रमुख पद भी संभाल वो चुके हैं। इसके अलावा इससे पहले वो पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आज वो पदभार ग्रहण करने वाले हैं। अपने 39 साल के लंबे करियर में उन्होंने भारतीय नौसेना के कई अहम असाइनमेंट्स पर काम किया है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का जन्म 15 मई 1964 को हुआ और वो सैनिक स्कूल रीवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के एक्स स्टूडेंट हैं। उन्होंने नेवल फॉर कॉलेज गोवा और नेवल फॉर कॉलेज USA से उन्होंने कोर्स किया है। तो 30 साल से नौसेना का हिस्सा है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और ऐसे में अब वो आज कमान संभालने जा रहे हैं भारतीय नौसेना के चीफ की। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिनेश त्रिपाठी ने कई अहम ऑपरेशनल और स्टाफ नियुक्तियों पर भी काम किया है। वो प्रतिष्ठित भारतीय वायुसेना अकादमी एजीमाला में भी कमांडेंट रह चुके हैं।